देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होता है उसकी जो भाषा मर्यादित होनी चाहिए जिससे किसी को ठेस न पहुंचे। क्या सर हरियाणा में क्या प्रेडिक्शन है आपका लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में से इस वक्त क्या चांस कांग्रेस? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो माहौल है वो इस सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है और निश्चित रूप से बड़े चुकाने वाले निर्णय। बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है कुछ कैंडिडेट्स का बीजेपी का। मैं कह रहा हूँ सभी जगह आज लोग, पता क्या, लोग हर चीज से तंग है। लोगों ने पिछली बार भी विधानसभा में भी बदलना चाहते थे, परंतु कुछ लोगों ने इनका समर्थन दे के इनकी सरकार बना दी। लोग ये सारा गुस्सा अब पार्लियामेंट चुनाव में काट देंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार। दूसरी पार्टियों की स्थिति कैसे देखते हैं सर? क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी सामने है, सभी उम्मीदवार उतार दिए गए, जेजेपी और एनएलडी भी चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। जहाँ तक जेजेपी की बात है, लोग जितना बीजेपी को दोषी मानते हैं उतना ही जेजेपी को भी दोषी मानते हैं, क्योंकि ये भी गठबंधन के अंदर थे। जाओ, अगर लठ पड़ रहे थे तो उतना दोषी मनोहर लाल है, उतना दुष्यंत भी है। और तीसरी बात कही आपने INLD की, देखो हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, परंतु जो विकल्प है वो केवल गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, इसलिए लोग गठबंधन को वोट देंगे। देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होता है उसकी जो भाषा मर्यादित होनी चाहिए जिससे किसी को ठेस न पहुंचे। क्या सर हरियाणा में क्या प्रेडिक्शन है आपका लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में से इस वक्त क्या चांस कांग्रेस? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो माहौल है वो इस सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है और निश्चित रूप से बड़े चुकाने वाले निर्णय। बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है कुछ कैंडिडेट्स का बीजेपी का। मैं कह रहा हूँ सभी जगह आज लोग, पता क्या, लोग हर चीज से तंग है। लोगों ने पिछली बार भी विधानसभा में भी बदलना चाहते थे, परंतु कुछ लोगों ने इनका समर्थन दे के इनकी सरकार बना दी। लोग ये सारा गुस्सा अब पार्लियामेंट चुनाव में काट देंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार। दूसरी पार्टियों की स्थिति कैसे देखते हैं सर? क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी सामने है, सभी उम्मीदवार उतार दिए गए, जेजेपी और INLD भी चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। जहाँ तक जेजेपी की बात है, लोग जितना बीजेपी को दोषी मानते हैं उतना ही जेजेपी को भी दोषी मानते हैं, क्योंकि ये भी गठबंधन के अंदर थे। जाओ, अगर लठ पड़ रहे थे तो उतना दोषी मनोहर लाल है, उतना दुष्यंत भी है। और तीसरी बात कही आपने INLD की, देखो हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, परंतु जो विकल्प है वो केवल गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, इसलिए लोग गठबंधन को वोट देंगे।